नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। सगाई न होने से नाराज दो कुंवारे देवरों ने भाभी को कुल्हाड़ी से काटा, बचाने आए पड़ोसी को भी उतारा मौत के घाट। जालौर के मुद्रान गांव में पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। दो सगे देवरों ने अपनी भाभी की निर्मम हत्या कर दी, साथ ही बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद एक आरोपी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। पारिवारिक कलह और सगाई की बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद देवरों ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ अपनी भाभी पर हमला बोल दिया और गले पर वार करा। इस दौरान आरोपियों ने अपने 12 साल के भतीजे के गर्दन पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल मासूम को गंभीर हालत में भीनमाल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामसिंह थाना पुलिस के अनुसार रतन सिंह की पत्नी इंदिरा कंवर अपनी बेटी और बेटे के साथ घर में थी। इस दौरान उसके सगे देवर ढूंगर सिंह और पहाड़ सिंह अपनी शादी न होने और भतीजी को आटे साटे की प्रथा में नहीं देने की बात को लेकर बहस करने लगे। विवाद बढ़ने पर दोनों ने अपनी सगी भाभी को कुल्हाड़ी से मार डाला। उस दौरान पड़ोसी हरी सिंह ने आरोपियों को अपनी मां समान भाभी के साथ झगड़ा नहीं करने की सलाह दी तो आरोपी उसके पीछे भागे और पीछे से कुल्हाड़ी से वार करके उसकी भी हत्या कर दी। मां पर किए गए हमले में बीच बचाव करने आए भतीजे की गर्दन पर भी वार कर आरोपियों ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर स्वयं एक आरोपी ने कीटनाशक दवाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश करी। बताया जा रहा है कि मृतका के पिता रतन सिंह हैदराबाद में व्यवसाय करते हैं। पुलिस ने उनको सूचना देकर बुला लिया है। फिलहाल पुलिस के पास कोई परिवाद नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जीबीएन 24।